अच्छा, आज हमारे साथ हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने हर लेवल पे अपने आप को मनवाया इन स्पाइट ऑफ पीपल्स नेगेटिविटी। एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको अगर हम स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ टुडे कहेंगे, वुमन ऑफ सब्सटेंस कहेंगे, तो ये बात गलत नहीं होगी। आई एम लकी इनफ कि इनके साथ मेरी कुछ मुलाकातें रह चुकी हैं। इतनी वॉर्म, इतनी हम्बल और इतनी लविंग पर्सनैलिटी कम ही आपको मिलेगी। मॉडल हैं, होस्ट हैं, सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, हर लेवल पे अपने आप को मनवा चुकी हैं। तेरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मुझे पता है कोविड, लेकिन जब भी मारनी बहुत जरूरी। इट्स ओके, आई एम वैक्सीनेटेड एंड आई एम आल्सो वैक्सीनेटेड। वी मदर्स आर वेरी फिनिकी ऑन ऑल ऑफ दिस थिंग। होना पड़ता है ना, होना पड़ता है। हां, बाय द वे, यू लुकिंग नाइस। थैंक यू, यू लुक लवली। एंड अ लवली सॉन्ग, प्यारी आवाज है आपकी। ये हमारा बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है एंड दिस चाइल्ड इज गोइंग टू गो वेरी फार इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ बैठ जाए, बैठ जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक बात जरूरी है करनी आज, बिकॉज आपको मैंने एक छोटा सा टीजर दिया था कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, एक ऐसी ऑनलाइन ऐप की जिसके 4 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। देखिए, यूजर्स तो बहुत से ऐप्स के होते हैं, लेकिन एक्टिव यूजर का मतलब है कि उसके ऊपर वो इन्वॉल्व रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो 4 मिलियन से ज्यादा इनके एक्टिव यूजर्स हैं 150 ममालिक में, 150 कंट्रीज में, जहाँ पे इंसान अपनी फेवरेट, कोई मर्द हो या औरत हो, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ को दिखा सकता है। और आज हमें इससे रिलेटेड गाइड करने के लिए, ये दोनों हमारे साथ तो सुपरस्टार्स हैं ही, लेकिन हमने सोचा कि हम रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एक है उनको बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और आखिर रिक्रूटर का बीच में क्या काम होता है, जो आपके होस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सेंडर कौन होता है, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वॉट इज़ दिस एग्जैक्टली, तो हमने कहा कि हम नबील अख्तर साहब को बुलाते हैं जो बिलीवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिलीवर्स इज़ वन ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स ऑफ वो ऐप जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बीगो की, बीगो लाइव की। और हमें अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आइए आइए बैठिए। अब हमारा पैनल हो गया है कम्प्लीट, हो गया, क्योंकि देखे जो हमारे फेसेस होते हैं, जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो इस चीज को आगे लेके चलते हैं, वो तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली ये चीज है क्या, राइट? तो आप लोगों तक भी ये कैसे पहुंचे उसकी तरफ भी मैं आऊंगी, बट सबसे पहले नबील आपसे ही बात शुरू करते हैं कि ये बीगो है क्या, ये बीगो बीगो क्या है? बीगो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, लाइक टिकटॉक है, वहाँ पे वीडियो कंटेंट है, और फेसबुक है, वहाँ पे मैसेंजर कंटेंट है, और अदर कंटेंट्स भी हैं। ऐसे ही बीगो स्नैपचैट, यस, इसी तरह बीगो एक लाइव स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज वन जगह जहाँ आप अर्न भी कर सकते हैं इन अ वेरी, जैसे टिकटॉक ने बहुत सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी, बीगो हैज अ स्पेसिफिक बाउंड्री दैट यू कैन नॉट क्रॉस, जो पीटीए ने अप्रूव किया है। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट वो एब्सोल्युटली सेफ है। आप अपना वहाँ बैठ कर यू कैन हैव गपशप टैलेंट, आप कुछ लोग वहाँ गाते हैं, शेर व शायरी करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उससे आपका एक फ़ैन बेस बनता है। ठीक है, तो जब आपके फ़ैन बेस बनते हैं उससे फिर लोग आपको गिफ्ट्स भेजते हैं। लेट्स सपोज इन्होंने कोई गाना गा लिया और किसी को वो अच्छा लगा, एज अ थैंक यू दे विल सेंड अ गिफ्ट, उन गिफ्ट्स के मुताबिक आपकी फिर सैलरी बनती है। एंड गिफ्ट्स क्या होते हैं, वो गिफ्ट्स होते क्या हैं? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी, सबसे पहले एडअप करना चाहूँगी, आप घर से बैठकर उसको ऑपरेट कर सकते हैं, लाइक आपको अच्छा, यानी किसी स्टूडियो में या किसी दफ्तर में या किसी जगह नहीं, यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट, सो इट्स लाइक अ होम बेस्ड, इट्स लाइक अ होम बेस्ड बिजनेस। कोई भी लड़कियां, जिस तरह आपको पता है आजकल बहुत सारी मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी हैं घर पे कि जॉब नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप उसको अपने घर से ही बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। और दूसरा आपने क्या पूछा, गिफ्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, गिफ्ट्स ऐसे होते हैं कि दूसरा, बहुत से हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी आउट ऑफ कंट्री रहती है, ठीक है, तो अगर उसको कोई आपका कंटेंट लाइक सिंगिंग, एक्टिंग या कोई आर्ट उसको पसंद आ गया, तो वो आपके लिए स्पेशली परचेज करता है, ठीक है, मतलब आपको अप्रिशिएट करने के लिए, इट्स अ वे ऑफ अप्रिसिएशन। ओके, बट अगर ए टू जी हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना, यू एक्चुअली हैव टू बाय डायमंड्स, ठीक है, डायमंड्स आर लाइक अ फॉर्म ऑफ करेंसी बीगो की, ठीक है,
उस डायमंड से आप गिफ्ट परचेस करके बिगो का बिटकॉइन या इट्स एग्जैक्टली बिटकॉइन है बिल्कुल एग्जैक्टली हां ये वो बिटकॉइन है ऊपर ही चढ़ता जा रहा है बिकॉज़ इट्स गुड एंड यू नो आप 40 आवर्स कर रहे हैं 15 डेज टू 16 डेज मंथ में आप आराम से बैठकर यू नो यू कैन अर्न इट यू कैन मेक अ यू नो 6 टू 7 डिजिट सैलरी आई हैव अर्नड अ लॉट फ्रॉम इट सो दैट्स गुड क्योंकि मेरी एक फैन बेस थी फ्रॉम इंस्टाग्राम हर जगह मैं पोस्ट करती थी आई एम गोइंग लाइव तो लोग आकर है ना आपको अप्रिशिएशन तोहफे देते हैं एट द सेम टाइम फिर छोटी छोटी इवेंट्स भी होते हैं जैसे पहले इन्होंने रखा हुआ था दैट पाकिस्तान और इंडिया तो उसके कॉम्पिटिशन होते हैं तो सारे पाकिस्तानीज आपको गिफ्ट दे रहे होते हैं वहाँ इंडियंस उनको गिफ्ट दे रहे होते हैं सो ये छोटी छोटी कॉम्पिटिशन होती हैं उनका नाम होता है पी के Okay. So yeah, you play PK with. अगर मैं इनके साथ PK खेल रही हूँ, so जितने भी मेरे जो fans हैं, वो मुझे जिताने के लिए मुझे gifts भेजेंगे. जान लगा देंगे. और आपके जो हैं वो आपको भेजेंगे. Exactly. और वो basically आप लोगों और नहीं but उस वो जब आप It's called player knockout PK. कि मतलब आपके फैंस जो हैं आपको जितवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ऑपोजिट को जो है ना उसके फैंस जितवाने की कोशिश करेंगे. But हो क्या रहा होगा एक स्प्लिट स्क्रीन होगी. Yes, it's a split screen. Yeah. और आपस में गुफ्तगू चल रही है या exactly. अगर आपको लड़ना है कुत्ता बिल्ली बनना है आप कुत्ता बिल्ली बन जाओ अगर आपको डिसेंटली बैठकर बात करनी है exactly. तो आप लड़ाई भी हो सकती है ऑब्वियसली बहुत हो जाती है लड़ाइयां अभी मतलब हो जाती है कभी कभी हो जाती है ना हम लोग इंसान है कभी हुई है हाँ एक दो दफा हुई है लेकिन इस तरह से नहीं आई थिंक होती रहती है लड़ाई मतलब जब तक लड़ाई ना हो और उसमें वो ना हो ना कि चांद नहीं होता उसमें अगर अगर आप अपने सेटर को ये महसूस नहीं करा रहे दैट तुम्हारी वजह से मैं हार रही हूँ हार रही हूँ तो वो कैसे सेंडर नहीं तो सेंडर से लड़ाई होती है या नहीं नहीं होस्ट से आपके जो ऑपोजिट बैठा होता है उससे हाँ अच्छा तो यानी कि घर पे जो जो लड़ाका शख्स बैठा हुआ है ना अपनी जबान से कमाओ सबसे पहले बीगो पे आओ जो सब जो सब होते हैं ना हर मोहल्ले में और हर घर में हाँ. एक इंसान ऐसा होता है जो लड़ाका एक फाफा कुटनी होती है और फाफा कुटनी प्लीज जॉइन अस हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डाउनलोड करने से लेके एंड तक जो प्रोसीजर है वो आप हमें नबील प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिएगा okay, जिस तरह आप लोगों को भी ऑन बोर्ड लेके आते हैं और रिक्रूटर का बीच में क्या काम होता है ये सारी चीजें जो हैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वीगो से रिलेटेड ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स हम बात कर रहे हैं बीगो की कि ये बीगो बीगो लाइव है क्या शुरू से लेके एंड तक हमें एक्सप्लेन करें जैसे कि नबील आपके पास आप किसी को अप्रोच करते हैं कि बीगो पे ऑन बोर्ड आ जाएं okay. तो आप उनको क्या समझाएंगे कि वो आए क्योंकि जैसे कि आपने हाँ. भी मुझे बताया कि इनिशियली आपको कुछ कन्फ्यूजन थी वील टॉक अबाउट दैट होल जर्नी लेकिन आप क्या कहते हैं लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जाती है उसके बाद साइन अप और फिर उसके बाद यूज़र को साथ साथ थोड़ा सा गाइड किया जाता है कि आप छोड़कर मत जाएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश समटाइम्स ऐसा होता है कि यूज़र आता है और उसे समझ नहीं आती और वो स्किप कर जाता है क्योंकि इट्स अ डिफरेंट ये मतलब टिकटॉक की तरह नहीं है या फेसबुक की तरह नहीं है ये एक स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है तो स्ट्रीमिंग को समझने में एक ही मतलब स्क्रीन के ऊपर काफी ज्यादा चीजें मल्टीपल चल रही है अपना चैनल जिस तरह यूट्यूब पे भी हम yes. सब अपने चैनल yes. yes. बनाते हैं बट ओनली इस पे मतलब खैर यूट्यूब पे भी आप लाइव जा सकते हैं बट इस पे अगर आप लाइव जाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं एग्जैक्टली अच्छा तो अब दो सवाल हैं एक क्या आपको एक तनख्वाह मिलती है हर महीने या फिर आपको पैसे मिलते हैं सेंडर से ये जरा क्लियर करें ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है ठीक है सेंडर्स की कैटेगरी वो होती है कि जो आपके फैंस होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं बेशक किसी ने एक डायमंड भी आपको सेंड किया सो इट्स मींस कि वो सेंडर है ठीक है ठीक है अगर किसी ने अब ये तो डिपेंड करता है ना आपके फैंस के ऊपर कि वो आपको कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं कितना ज्यादा बेसिकली वो फाइनेंशियली सपोर्ट होती है आपको पैसे किस चीज के मिलते हैं हम लोगों को नहीं नहीं आपको तो आपकी तो खैर है ना आपकी तो अभी हम बात करेंगे अभी तो हम सेंडर एंड होस्ट की बात कर होस्ट होते हैं जो सेंडर सेंडिंग करते हैं उससे टारगेट्स अचीव होते हैं
और टारगेट से सैलरी बनती है जो कि डॉलर फॉर्म में होती है। अच्छा, तो ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लाइव जाती हूँ और मैं कितने दिन करना होता है, 15 days and 40 hours कि मिनिमम आपने 15 दिन लाइव आना है, यानी कि जैसे कि एक दिन छोड़ के अगले दिन बेशक आ जाएं या हर रोज भी आ जाएं, और 40 आवर्स आपने महीने के पूरे करने हैं, यानी कि 40 घंटे बिल्कुल। ओके, उसके बाद क्या आपको जैसे कि क्या बेस सैलरी कोई मिलती है या सिर्फ वही मिलता है जो आपको लोग भेजते हैं, ये मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टारगेट। बेसिकली सबसे स्मॉल टारगेट इज लाइक 40,000 बीन्स, ठीक है, तो उसकी जो सबसे कम सैलरी इज अराउंड 355 एंड रिसीविंग मिलाकर अराउंड $300 द मिनिमम सैलरी। तो बीन आपने भी बीन्स कहा और डायमंड कहा, इन दोनों में ये क्या है? तो बेसिकली ये होता है दैट दिस इज व्हाट द मैथ्स पार्ट कम्स, दैट वो लोग डायमंड्स खरीद कर आपको जब लाइक मारते हैं ना, लाइक व्हेन दे सेंड यू गिफ्ट्स आपके कन्वर्ट होके बीन्स में कन्वर्ट हो जाते जब वो सेंड नहीं होते, सेंडिंग होती है तब वो डायमंड्स होते हैं। अच्छा, जब वो सेंड हो जाते हैं तो वो बीन्स की फॉर्म में चले जाते हैं, बीन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बीन्स का टारगेट बेसिक क्या होता है हर बंदे का, कि मतलब बेसिक टारगेट क्या है? मिनिमम 20k 10,000 फर्स्ट 2 मंथ्स में, मतलब स्टार्टिंग के लिए 10,000 एंड उसके बाद 20,000 और उसके बाद जितना ज्यादा आप कर सकें, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसमें। लिमिट नहीं, आप 1 million का भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग की लिमिट है। I'll be very honest, it's like आप बिगो पर जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो, इट्स नॉट दैट आप बैठोगे धर 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 चीजें गिरेगी, नो नो ऐसे नहीं। आप जैसे हम शो करते हैं ना, कि मैं अगर बैठ के धंधिया निकाल रही हूँ और कह रही हूँ हेलो एवरीवन क्या हाल है, तो चाहे चप्पल लोग मार दें आप भी नहीं मारेंगे। देखिए, इट्स लाइक यू आर होस्टिंग राइट नाउ, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक, तो हम भी होस्ट ही करते हैं। हाँ, आप लोग अपना होस्टिंग का, मुझे भी डॉलरों में पैसे दे दे, दे दे मुझे डॉलरों में पैसे खुदा का वास्ते, बीगो तो दे रहे हैं। आपको सपोर्ट करते हैं, दे लाइक योर होस्टिंग, दे लाइक स्पॉन्सर्स। ओके, आप मुझे, मतलब वो जो कहते हैं ना सेंस समझ आई है, ओह वाओ, मतलब उनको ये आपको 2 महीने लगे थे, अच्छा मुझे बताने के ऑन स्क्रीन बताया था, ये चुप करो। नहीं, बट इसीलिए तो ये शो कर रहे हैं। यस, ये आपकी भी एक इनोवेशन थी कि हमें ऑन एयर आके इस पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि जो एक एक बंदा आके आपसे पूछ रहा होता है कि मुझे बताएं ना कि ये क्या है, इट्स बेटर कि हम ऑन एयर एक दफा लोगों को एक्सप्लेन कर दें, बंदा रेफरेंस दे देता है कि जी आप वो वीडियो जाकर हमने जो शो किया था उस पे जाके देख लें। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अच्छा सेफ कितना है ये बड़ा, इट्स वेरी सेफ। नंबर 1, लाइक आई सेड दैट हर चीज मॉनिटर होती है, अगर आपने कोई भी गलत कदम, किसी को धमकी, किसी को गाली, कुछ ऐसी चीज आपने बोली, योर आईडी गेट्स बैन फॉर 10 years, ठीक है, एंड देन यू नीड टू डू सॉरी, और बहुत सारी एक प्रोसेस होता है, अपोलॉजी लेटर, कुछ लोग की आईडीज खुलती भी नहीं है। दूसरी बात, बेस्ट पार्ट इज, जो लड़कियाँ चेहरे नहीं दिखा सकती, दैट यू नो हैव टू हैव अ स्कार्फ एंड हिजाब, इवन दे कैन डू अ ब्रदर अलाउड टू डू इट विथ यू नो अ मास्क ऑन, सो दैट्स अ गुड सेफ पार्ट। दैट बहुत सारी इस कोविड के दरमियान काफ़ी लोग बेरोजगार हुए थे, एंड आई बिलीव कोविड में वाहिद जगह थी, क्योंकि मैंने भी जब कोविड शुरू आता ना, मैंने और काफ़ी क्रिकेटर्स और काफ़ी लोग, हम सब बिगो पर ही बैठे हुए थे क्योंकि घर में हम सब बंद थे और बोर हो रहे थे, और बोर हो रहे थे। फन थिंग टू डू, एंड एक्चुअली हाउ मच फन इज इट, अब ये भी मैं जानना चाहती हूँ, सच्ची सच्ची बताएं, मतलब नौकरी की तरह महसूस होता है या एक्चुअली मजा आता है? नो, मजा भी, आप भी होस्ट है ना? नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिक्रूटर, यानी कि आप बिगो पे ऑनलाइन नहीं आते हैं लाइव? अच्छा, मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली मजा आता है जब आप, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों से कनेक्ट हो रहे होते हो, फ्रेंड्स बना रहे होते हो, इंटरेक्शन कर रहे होते हो, यानी कि दोस्ती भी आपकी हो जाती है, सर्कल हो जाता है, सर्कल बन जाता है, सर्कल में आप लोग आपस में एक गपशप, कभी कुछ नहीं होता तो गॉसिप्स कर रहे होते हैं, कभी सेंडर से लड़ाई हुई,
हो जाती है नहीं कभी सेंटर से लड़ाई कि ये क्या आप मतलब होता है ना कि मतलब जिस तरह फ्रेंड्स में भी हम लोग की जिस तरह अगर जैसे आपका और मेरा कोई डिफरेंस और ओपिनियन हुआ हमारा बीच में नहीं वहाँ बड़ी कुत्ते बिल्ली होती है ये सेंटर वहाँ चला जाता है वो पागल हो जाती है तुमने मेरा सेंटर चोरी किया तो ये चीजें होती है सेंडर को ना असल में कोई भी चीज क्लिक कर सकती है ठीक है अब फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ बैठी हूँ आपके मेरे साथ पीके लगा है ठीक है मेरे से उठ के आपकी तरफ चला जाएगा क्या पता उसको आपकी आवाज पसंद आ जाए आपका बात करने का अंदाज पसंद आ जाए कुछ भी पसंद आ सकता है उसको ना मतलब वो ऑब्वियसली आपको पता है वर्ल्ड में कितना डिप्रेशन चल रहा है तो वो अपने उस डिप्रेशन को भी जो है खत्म करने के लिए बीगो पर आता है कि यार चलो थोड़ा सा फन मस्ती हो जाएगा सो दैट्स द टाइम किल करने के लिए अच्छा ये देखें जैसे व्यूअर्स आप लाइव देख रहे हैं अच्छा इनके कान से क्या निकल रहा है आंसू कान से अच्छा, नहीं आंखों से निकल रहा है अच्छा जी तो ये होता है तो वो जो भाई बैठे हैं वो क्यों दिस इज लाइक पीके चल रहा है नहीं तो पीके ऑब्वियसली अगर लड़के और लड़की के बीच में होगा लड़की के ज्यादा ही फैंस होंगे नहीं नहीं कुछ लड़के होते हैं आपको पता है बीगो पर मोस्टली लड़के जो है सक्सेसफुल है जिस तरह लड़के बैठ कर घंटों घंटों गपशप करते हैं अच्छा सबसे फेमस कौन है अभी बीगो पे लड़कों में इस वक्त पाकिस्तान रूम में एक ब्रॉडकास्टर है उनका नाम महर शामी है तो यस दे आर दीस पीपल एंड ये लोग पता है बिकॉज ये लोग की गपशप एक होती है यू नो प्रॉपर जब बहुत सारे जिस तरह हम बोलते हैं लड़कियां गॉसिप्स करती है ओहो जब लड़के मिलते हैं तो देखने की लायक ये मैंने हजार दफा अपने मॉर्निंग शो में पिछले 10-12 साल से मैं कह रही हूँ कि अगर खवातीन गॉसिप करती है तो ये जो मर्द हजर आते हैं हमने बिठा भी सिर्फ एक मर्द ही है ना ताकि उन्हीं को वो बेचारा घबराए हुए उनको हमें पे बोल रहा है आपको घबराना नहीं है अच्छा हमारे सोशल मीडिया पे भी ना कुछ सवाल आ रहे हैं मल्टी क्या है व्हाट इज मल्टी मल्टी पे ये होता है कि आप 6 बंदे आपके साथ लाइक बंदे बंदियां जो भी बैठ सकते हैं 6-9 पीपल राइट मतलब आपके वेरियस स्क्रीन मतलब एक ही स्क्रीन पे आपकी मतलब वो स्प्लिट हो जाती है इट्स लाइक आप अपने दोस्तों के साथ बिठा सकते हैं डिस्कशन करनी है या कभी कभी ये होता है दैट आई हफ्ते में एक दफा बहुत सारे मैं और दूसरे और होस्ट हम शो करते हैं तो जिस तरह आई एम द होस्ट एंड आई हैव फॉर न्यू बीगोवर्स पुराने वाले कोई भी एक होते हैं जो मेरे गेस्ट होते हैं उनके साथ हम गपशप कर रहे होते अच्छा आप जैसे कि ये स्क्रीन पे चल रहा है मिथिला मुझे ये बताइए कि क्या ये सारे अर्न कर रहे होंगे या सिर्फ जो बीच में नहीं ये तो मैं ये सब्जी वालों का इंटरव्यू ले रही थी तो अच्छा। ये तो जो मेरा शो है जो हफ्ते में एक दफा चलता है चल तो मल्टी चैट रही है तो इसमें भी अर्निंग होती है इसमें वो आकर गिफ्ट दे देते हैं अगर किसी को अच्छा लग रहा है यू नो इस ब्रॉड पे अगर मतलब 6 यूजर्स हैं 6 होस्ट हैं जैसे कि मतीरा होस्ट कर रही हैं और बाकी सारे इनवाइटेड हैं सो उन सभी के फैंस जो हैं वो मतीरा की ब्रॉड पर आ जाएंगे सभी के मतलब अगर हम लोग हैं तो आपके फैंस भी आ जाएंगे जारा के भी आ जाएंगे मेरे भी आ जाएंगे तो वो इस तरह टॉप ऑफ द हीट लिस्ट वो ब्रॉड चलती है और वो मतलब उस तरह से फिर सपोर्ट कर ठीक है अब यूज हम ब्रेक की तरफ जाएंगे अगर आपके कोई सवाल और क्वेश्चन या क्वेरीज हैं बीगो से रिलेटेड तो वी हैव द एक्सपर्ट सिटिंग ओवर हियर वो हमें गाइड कर रहे हैं अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हैं तो ज़रूर पूछिएगा ताकि हम आपको मजीद गाइडेंस दें जैसे कि पेमेंट कैसे आती है ये भी एक सवाल है कि भाई एक हवाई बात है कि वो हमारे पास बीन्स आ गए वो बीन्स पैसे कैसे बनते हैं ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद में